हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इसको देखो, इसको खुजली हो रही है, पता नहीं क्यों। हर टाइम ये मिट्टी में खेलता है। आप इसको नहलाओगे ये तभी मिट्टी में गंदा हो जाता है। और दो तीन दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन आज इतनी अच्छी धूप निकली है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, पर धूप बहुत अच्छी निकली है। और ये देखो, आज इसको नया खिलौना मिला है और इसने इसकी हवा निकाल दी है। और अब शाम के बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं। और इस टाइम मैं इसको कपड़े पहनाने के लिए ऊपर आई हूँ। ये देखो इसके कारनामे। हमारे पहले, इससे पहले जो हमारा डॉग था, बड़ा ही रोटवीलर था, बड़ा ही शांत स्वभाव का था, बिल्कुल भी शरारत नहीं करता था। लेकिन ये जो आया है ना, तब से ये इतना चुलबुला, इतना शरारती है ना, तो एक भी कपड़े बिलगनी पे छोड़ता, सारे कपड़े नीचे गिरा के और मिट्टी में घसीट घसीट के खेलता है। और देखो, ये मैच हमने अभी डाली थी सर्दियों में कि चलो धूप में थोड़ी बहुत देर के लिए। इससे पहले एक खाट टूट चुकी है हमारी, यहाँ पे एक खाट डली रहती थी, आप सरों की वीडियो में देखते होंगे, लेकिन वो खाट भी टूट चुकी है। और अब ये मेज डाली थी कि चलो थोड़ी बहुत देर धूप में बैठना हो, तो यहाँ पे बैठ गए। पर नहीं, इस मेज को भी इसने तोड़ डाला है। ये हर चीज़ को ऐसे ही बुटके मार मार के तोड़ देते हैं। और अभी तो ये अभी लगभग ये 5 महीने का होने वाला है, हो चुका है, ये 5 महीने का हो चुका है। अभी इतनी शरारत करता है, इसको ट्रेनिंग दी जा रही है थोड़ी थोड़ी। पर है ना, मुझे लगता है कि बीगल पप्पी थोड़े चुलबुले टाइप के होते हैं, थोड़े से चुलबुले शरारती होते हैं। देखो कैसे लगा हुआ है। जब तक ये कूड़े में नहीं चली जाएगी, तब तक इसका पीछा नहीं छूटने वाला है इस बोल का। और सबसे बड़ी बात, पहले हम सोचते थे हमारे है ना लोगों के 21 पंजे दिखाई देते थे, लेकिन अब हम देखते हैं अच्छे से, हमारे रोगों के ना पिछले पैर में 22 पंजे हैं। देखो इसकी शरारते, देखो ये जो पिछला वाला पैर है, दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे 2 पंजे एक्स्ट्रा हमें, 2 पंजे एक्स्ट्रा में, 22 पंजे का हमारा रोगो है। एक बार तो इसके बिल्कुल बाल उड़ गए थे जब शुरू शुरू में आया, तो बच्चे इसे बिस्किट खिला देते, हमें पता नहीं चलता था। इस दीवार के पीछे जो बच्चे रहते हैं वो ना इसको पूरे दिन कुछ ना कुछ खिलाते थे, इसका पेट बिल्कुल फूल गया था। लेकिन फिर हमने देखा तो उनको हमने मना किया कि नहीं, ऐसे इसको बिस्किट मत खिलाओ, इसको प्रॉब्लम करते हैं। इसको हम खाना टाइम पर देते हैं, जो इसका टाइम है उस पर इसको भरपूर खाना मिलता है, तो आप एक्स्ट्रा में इसको कुछ भी खाने को मत दो। तब जाके इसकी दवाई लेके आए, इसको डॉक्टर के दिखाए, तब इसके फिर से बाल, नहीं इसके बिल्कुल बाल उड़ गए थे बिल्कुल। देखो ये ना सुबह मैं वो लेके आई थी इसका ब्रेकफास्ट, तभी ये दोनों पैरों पे एकदम ऊपर तक सीधा खड़ा हो गया। मैं क्या, अरे वाह कितना अच्छा स्टंट करता है ये। पर है ना, ये काटने भी अब बड़ी ज़ोर से लगे, अब इसके दांत बहुत पहने हो गए हैं और बहुत ज़ोर से काटता है। एक मिनट नहीं डट सकता है, एक मिनट हर टाइम इसे शरारत करनी होती है, हर टाइम। पूरा दिन बस इसका ऐसे ही जाता है, इसको रूम में छोड़ते हैं तो वहाँ पे भी सब कुछ गिरा देता है, नीचे जाता है तब भी, पता नहीं ये रात को सोता कैसे है एक जगह बैठ के, क्योंकि ये इतना चुलबुलाहट है इसमें, हर टाइम इसको शरारत करने सोचती है, हर टाइम शरारती रहता है। देखो आपको दिख रहे होंगे इसके
तैर के नहीं रुकेगा, एक जगह बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये रुको, तो इसकी शरारत तो ऐसे ही स्टार्ट रहेगी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना आप सभी को हमारा रोबो कैसा लगता है, और प्लीज़ जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं 1K, लेकिन हमारा वॉच टाइम वो बिल्कुल कम है। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हो सकता, और आप सभी को पता है कि यूट्यूब के ऊपर जब तक 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होंगे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ना ही आपसे आपको यूट्यूब से कोई इनकम होगी। तो प्लीज़ मेरा वॉच टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने में मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। तब तक के लिए अब हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड। बाय बाय।